ऐसा है, ये वायरस, मैं तो कोई इस विषय का हेल्थ का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ये अनेक वेरिएंट में नए नए रूप से उभर के आता है और इसी के लिए वैक्सीन कैंपेन बहुत महत्वपूर्ण है। सब लोग जो एलिजिबल है वो सब वैक्सीन कर ले, क्योंकि यही एकमात्र कवच है अपना, सुरक्षा कवच। मास्क तो और भी साल डेढ़ साल लगाना ही पड़ेगा, दूरी बनाए रखनी पड़ेगी, लेकिन और हाथ धोने ही पड़ेंगे बार बार, लेकिन एक करने की जरूरत है कि वैक्सीन लेंगे, लेने से अपने को एक बहुत इंपॉर्टेंट सुरक्षा कवच मिलता है और यही उसका अर्थ है। कंपल्शन होती है किसी चीज की, लोग स्वयं भाग ले रहे हैं। आपने देखा 4,85,00,000 से ज्यादा वैक्सीनेशन हो गए, सो इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर। तो ये बहुत तेजी से और बढ़ेगा, और कल 32,00,000 हुए हैं, तो अब तो और भी तेजी से बढ़ेगा, तो ये मुझे विश्वास है। और जहां तक दूसरे वैक्सीन का मुद्दा है, स्वास्थ्य मंत्री ने पहले ही बताया है, हर्षवर्धन जी ने, कि और भी विभिन्न ट्रायल स्टेज में वैक्सीन्स तैयार हो रहे हैं, उनकी उम्मीद है कि जल्दी ऐसे नए वैक्सीन्स भी मिलेंगे। क्या केंद्र सरकार के स्तर से किसी भी तरह के कोई इंस्ट्रक्शन लॉकडाउन की तरफ, पूरे लॉकडाउन नहीं, पार्शियल लॉकडाउन की तरफ कोई इंस्ट्रक्शन? केंद्र सरकार जिन राज्यों में विशेष ज्यादा केसेस आ रहे हैं उनसे लगातार संपर्क में है, और उपाय पिछले साल सबने देखा है, तो इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा और ये नहीं बढ़ेगा, ऐसे हमारी उम्मीद है। 45 साल से कम उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन देने पर कोई विचार कर रहे हैं? अभी तो पहले एक एक देखो, वहां एक सुचारू रूप से सब लोगों का वैक्सीनेशन हो जाए, इसलिए 45 का अभी किया है, वक्त तो बाद में भी आता ही है। आज सर, प्रकाश सर, आप महाराष्ट्र से ही आते हैं, अगर आप महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में बात करें, वहां पे नहीं कर रहा हूं महाराष्ट्र की राजनीति की बात, मैं यहां इस पत्रकार वार्ता में नहीं करूंगा, क्योंकि उसकी कैबिनेट में कोई चर्चा नहीं हुई, यहां केवल कैबिनेट का जो ब्रीफिंग होता है तो करता हूं सर, बाकी मैं कभी भी आपको मिलता हूं, ट्वीट भी करता हूं, तो आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए।